तेरी। सॉरी सर। ये क्या है, क्या है, मुझे बता क्या है ये? सर सूट है। सूट था ओरिजिनल, अभी नहीं है ये। सॉरी सर। व्हाट सॉरी, व्हाट सॉरी? तुम्हें पढ़ा लिखा समझ के इतने बड़े लॉन्ड्री में तुम्हें इस्त्री करने का? कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए आज खीर की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आधा कप चावल ले लेंगे। देखिए इसमें से जितना भी कंकड़ पत्थर निकाल लीजिए। वैसे नॉर्मली ये सब चावल में कुछ होता नहीं है, फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। उसके बाद 1.5 लीटर हम लोग दूध ले लेंगे और इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, हाफ गिलास के लगभग। उसके बाद इसे बॉईल होने दीजिए। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, चावल को धो लेना है। चावल को धोकर इसमें डाल देना है। धीरे धीरे डालिएगा क्योंकि ये दूध बहुत गर्म होता है, इसका छिटका अगर आपके हाथ में आ जाएगा तो जल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स ले लेना है। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने नॉर्मली दो चीज़ लिया है, किशमिश और पिस्ता बादाम। आपको ये दोनों ले लेना है और इसे आप छोटे छोटे काट भी सकते हैं। मैं इसे मिक्सी जो जार होता है उसमें चला लूँगी दरदरा, तो वो सबसे अच्छा इजी ट्रिक है। आप खीर में डाल सकते हैं आराम से। जिसके मतलब जिन जो एजेड लोग होते हैं जिनके दांत नहीं होते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, आराम से वो खा सकते हैं। तो देखिए मैंने जार में रख लिया है, इसे मैं चला दूँगी और दरदरा पीस लूँगी। तो देखिए इस तरह का पीस लेना है। उसके बाद इसे अभी दूध आपको खीर में नहीं मिलाना है, क्योंकि अभी मिलाएंगे तो किशमिश जो है वो खट्टा होता है, तो आपका जो खीर है उसका जो दूध है वो फटने का डर रहता है। इसलिए हमें सब कुछ लास्ट में, आपको शुगर भी लास्ट में ऐड करना है। तो खीर को आपको चलाते रहना है, देखते रहना है कि इसमें कुछ नीचे सटे ना, जले ना। तो चलिए खीर हमारा रेडी हो रहा है। आपका भी वही हाल है जो अक्षय कुमार जी का है, वो भी दिन में सपना देख रहे हैं। तो रेस्टोरेंट का खाना अगर आपको खाने का मन है तो आप घर में बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए फॉर दी नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद। खीर जो है वो रेडी हो चुका है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब इसे क्या करना है, देखिए हमारा जो खीर है वो एकदम अच्छे से पक चुका है। इसी तरह का आपको कंसिस्टेंसी रखना है। तो उसके बाद हमें शुगर ऐड करना है, क्योंकि मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब हमें गैस ऑफ करने के बाद ही शुगर ऐड करना है। मैंने एक कटोरी एक बाउल भर कर ले लिया है, इसे डाल देंगे और मिला देंगे अच्छे से। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स को जो पीस कर रखा है दरदरा, उसे भी ऐड करेंगे। लास्ट में ही सब कुछ ऐड करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि लास्ट में ही ऐड करना है, पहले आप ना करें। उससे क्या होगा कि आपका जो चावल है वो अच्छे से गलेगा नहीं, पकेगा नहीं। इसलिए चलिए ड्राई फ्रूट जो हमने दरदरा पीस रखा है इसे भी ऐड कर देंगे। और इस ट्रस्ट मी गाइस, इस तरह का खीर आपने कभी नहीं खाया होगा। जिनकी भी अभी हाल फिलहाल शादी हो रही है तो अगर उनकी जो पहली रसोई होती है उसमें ये खीर बनाकर प्लीज़ आप सबको खिलाइए। आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर सच में बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे। तो क्या क्या गिफ्ट मिलेंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है और ये हमारा खीर जो है परफेक्टली बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम रख देंगे साइड करके। और अभी लॉकडाउन का समय है तो प्लीज़ रेस्टोरेंट ना जाए, क्योंकि पॉकेट में रेस्टोरेंट जाना है तो पैसा होना चाहिए, नहीं तो ये हाल होगा। देखिए क्या होता है। ए, कहां देख के चल रहे हो तुम? जल्दी जल्दी साफ करो और सब ले जाओ यहां से। स्टूपिड। <Stupid. laughs> आज भिंडी की सब्जी बना लेते हैं। तो आपको सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लीजिए गैस पर मीडियम टू लो फ्लेम में। उसके बाद सरसों का तेल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। उसके बाद 1 टेबलस्पून आपको जीरा ऐड करना है। जीरा ऐड करने के बाद आपको हींग आपको एक चुटकी भर, देखिए इतना लगभग काफ़ी है, इतना आपको ऐड करना है। हींग से क्या होता है कि जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो हींग ऐड करने के बाद मैंने 4 हरी मिर्च काट रखा है, उसे ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद आपने जो भिंडी काट रखा है उसे ऐड कर देंगे। उसे ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपको इसे अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम में भूनना है। भूनने के बाद अगर खाना आपको नहीं परफेक्टली बनाने आता है तो देखिए कैसे आजकल हम लोग का लॉकडाउन में हाल है। कलेक्टर बनने वाला जो थाना बैठा बैठा पढ़ाई करे, कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक, अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा।
मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे, तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस खसखस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? तो आपने देखा कि लॉकडाउन में हमें कितना काम करना पड़ता है। तो चलिए अच्छा सा पूरी का डो बना लेते हैं। इसे बनाना बहुत इजी है आपको। मैंने जो स्किप हो गया मेरे से गलती से वीडियो, तो सॉरी फॉर दैट। तो क्या क्या मैंने ऐड किया मैं बता देती हूँ। मंगरेला जवाइन एक आता है, वो मैंने 1 टेबल स्पून क्रश करके डाला है। उसके बाद नमक फॉर टेस्ट। बाद मैंने मौन डाला है, मौन जिसे आप घी भी बोल सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कुछ भी आप जो अच्छा तेल खाते हैं उसी को ऐड कर लीजिए। लगभग 4 टेबल स्पून, जितना अच्छा आप मौन डालेंगे उतना अच्छा डो रेडी होगा और हमारी पूरियाँ अच्छे से बनेगी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा डो बना लेंगे। एक परफेक्ट डो होना बहुत ज़रूरी है अच्छी पूरियाँ होने का। तो पूरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, डो बनाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर भी छोड़ना है और इसे अच्छे से मसल मसल कर ही गूंदना है, क्योंकि जो आटा होता है वो थोड़ा फूलेगा, उसमें मॉइस्चर अच्छे से जाएगा, तभी वो अच्छा डो रेडी होता है। तो देखिए हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसे 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट आप रेस्ट पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए सब्जी हमारा भून रहा है। तो देखिए सब्जी लाल होकर भून चुका है, उसके बाद हमें इसका मसाला रेडी कर लेना है। मसाला में क्या क्या जाएगा देख लेते हैं। तो ये जार वही है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स को ये दरदरा पीसा था, तो उसी में मैं मसाला भी रेडी कर लेती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने जीरा ऐड किया है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम गोल की काली मिर्च और 1.5 टेबल स्पून सरसों। सरसों जो है इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद 4 से 5 कली हम लोग लहसुन की ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छा सा पेस्ट बना देंगे। ठीक पेस्ट बनाना है, ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं करना है। देखिए हमारा पेस्ट जो है रेडी हो गया। अब इसे सब्जी में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें क्या क्या जाएगा देखिए, अब ये जो है इसका कलर अभी वाइट है क्योंकि इसमें हमने हल्दी ऐड नहीं किया है, और जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो तीखा बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन उसको ऐड करने से क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा आता है। तो 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है। मैंने रेड चिल्ली ऐड नहीं किया क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए ग्रीन चिल्ली ऐड किया है। उसके बाद आपको 1 टेबल स्पून से कम कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड करना है। ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ ये कलर के लिए होता है। तो इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे भी 3 से 4 मिनट आपको लो टू मीडियम फ्लेम में भूनना है। इसे लगातार भूनना है आपको लो टू मीडियम फ्लेम में, ज़्यादा तेज नहीं करना है। उसके बाद हमें टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड करना है। मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। इसे भी 2 से 3 मिनट भूनने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। उसके बाद हमें पानी ऐड करना है। पानी आप कितना कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कीजिए। मैं इसका जो कंसिस्टेंसी है वो लटपट रखूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी और इसे 3 से 4 मिनट आप ढक कर या 5 से 6 मिनट बिना ढके बिना कवर किए आप इसे बॉईल कर सकते हैं। जब ये परफेक्टली कुक हो जाएगा के बाद गैस ऑफ कर देना है। यही मिलेगा। मर नहीं खाना, पिये ले, प्लेट ले, दो। ये किस जानवर की चमड़ी है? आरी मिलेगी काटने के लिए। इस तरह की रोटी से अगर आपको बचना है तो मेरी ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए कढ़ाई गरम कर लेते हैं, हाई फ्लेम में गरम कीजिए। उसके बाद आपको ऑयल ऐड कर लेना है, कोई सा भी ऑयल जो भी आप खाते हैं उस तरह। घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी कर सकते हैं, रिफाइंड जो ऑयल होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड कर लिया है। उसके बाद इसे पूरा गर्म होने के बाद पूरियाँ डालेंगे, क्योंकि तभी ये फूलेगी, वरना अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा पूरी डालने पर वो नहीं फूलेगा। तो देखिए हमारी जो पूरियाँ हैं वो फूल रही हैं। तो इसी तरह का आपको सारा पूरी जो है फ्राई करके निकाल लेना है, सबको छान लेना है अच्छे से और इसका जो तेल है उसको स्क्वीज़ करना है, इसे तुरंत डायरेक्टली नहीं निकालना। देखिए इस तरह करके
तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए फॉर दी नोटिफिकेशन, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आपको किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन अ कमेंट सेक्शन, मैं आप सबकी कमेंट पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा दीजिए, तभी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ज़रूर लाऊँगी और अच्छी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलिए खाना हमारा रेडी हो चुका है, इसे सर्व कर लेते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर लाइक करके बताएं, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।